हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्वामीनाथन ऑनर्ड ओनली 4 पर्सन विथ हिज कॉन्फिडेंस। स्वामीनाथन जो थे वो सिर्फ 4 लोगों को ही सम्मानित करते थे। ऑनर्ड का मीनिंग होता है सम्मानित करना। दोज वर द 4 दैट ही लाइक्ड एंड एडमायर्ड मोस्ट इन हिज क्लास। और वो 4 वो थे जिसे स्वामीनाथन जो है क्लास में सबसे ज्यादा पसंद करते थे और सबसे ज्यादा जिनकी प्रशंसा करते थे। द फर्स्ट वॉज सोमू। जो स्वामीनाथन का पहला फ्रेंड था उसका नाम क्या था? सोमू द मॉनिटर। और वो क्लास का मॉनिटर था। हु कैरिड हिमसेल्फ विद सच एन इजी एयर, ही सेट अबाउट हिज बिजनेस वॉट एवर इट वॉज विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। तो जो सोमू था वो क्लास का मॉनिटर था और वो अपने आप को काफी अच्छे से कैरी करता था। मीन्स वो अपने आप को काफी अच्छे से संभालता था और उसे जो भी काम दिया जाता था वो अपने काम को काफी कॉन्फिडेंस से और बहुत ही कामनेस से, मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक, काफी इत्मीनान से करता था। ही वॉज नोन टू बी चमी इवन विद द टीचर्स। चमी का मीनिंग होता है मिलनसार। तो वो टीचर्स से भी काफी अच्छे से मिलता था, बहुत अच्छे से बिहेव करता था। No teacher ever put a question to him in the class, और कोई भी टीचर क्लास में उस पे उंगली नहीं उठाते थे। It could not be said that he shone brilliantly as a student. ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बहुत ही brilliant student था। It was believed that only the headmaster could reprimand him. Reprimand का meaning होता है scold करना, यानी कि punishment देना। तो सबका ऐसा मानना था कि जो सोमू है जो कि क्लास का मॉनिटर था उसे बस हेडमास्टर ही scold कर सकते हैं और कोई scold नहीं कर सकता है और कोई उसे सजा नहीं दे सकता। He was more or less the uncle of the class. और वो क्लास का एक, मतलब अंकल ऑफ द क्लास का मीनिंग होता है एक संभालने वाला, पूरे क्लास में सबसे बड़ा समझदार, एक तरह से पूरे क्लास को संभालने वाला था। Then there was Mani, the mighty good for nothing. अब सेकंड फ्रेंड जो था स्वामी का उसका नाम था मनी। द माइटी गुड फॉर नथिंग, मतलब गुड फॉर नथिंग मीन्स वो किसी काम के लिए अच्छा नहीं था। He towered above all the other boys of the class. Towered above all the other boys of the class means वो क्लास में जितने भी बच्चे थे वो सब बच्चों से, सारे लड़कों से लंबा था, टॉल था बहुत ज्यादा। He seldom brought any books to the class and never bothered about homework. Seldom का मीनिंग होता है कभी कभी and bothered का मीनिंग होता है परेशान होना। तो वो कभी कभी ऐसा होता था कि वो क्लास में बुक्स लेके आता था और वो कभी भी होमवर्क के लिए परेशान नहीं होता था कि मैंने होमवर्क नहीं बनाया है तो क्या होगा। वो बहुत ही मस्त रहता था, उसे मतलब नहीं होमवर्क बन रहा है नहीं बन रहा है। ही केम टू द क्लास, मोनोपोलाइज्ड द लास्ट चेयर एंड स्लेप्ट ब्रेवली। मोनोपोलाइज्ड का मीनिंग होता है अपना अधिकार समझ के कब्जा करना। तो वो क्लास में जाता था और लास्ट वाले चेयर पे बिना किसी से डरे काफी ब्रेवली एकदम जाकर हक से जाके सो जाता था। नो टीचर एवर ट्राइड टू प्रोड हिम। प्रोड का मीनिंग होता है किसी भी तरह से जगाना। तो कोई भी टीचर उसे जगाने की कोशिश, उसे नींद से जगाने की कोशिश करते ही नहीं थे। इट वॉज सेड दैट अ न्यू टीचर हु वंस ट्राइड इट वेरी नियरली लॉस्ट हिज लाइफ। और ये कहा जाता है कि एक नए टीचर ने एक बार उसे जगाने की कोशिश की थी और उसने लगभग लगभग अपने जान से हाथ धो लिया था। मनी बुलीड ऑल स्ट्रेंजर्स हु केम हिज वे, बी दे बिग और स्मॉल। बुलीड का मीनिंग होता है परेशान करना। तो मनी जो था वो सारे स्ट्रेंजर्स को, जो भी नए आते थे, उन सभी को परेशान करता था। उसे बिल्कुल भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता था कि वो बड़े हैं या छोटे हैं, वो बस नए लोगों को, स्ट्रेंजर्स को परेशान करता था। पीपल यूजुअली स्लंक असाइड व्हेन ही पास्ड। स्लंक असाइड का मीनिंग होता है किसी को देखकर अपना रास्ता बदल लेना, साइड हो जाना। तो जो लोग मनी को जानते थे वो दूर से ही उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे, साइड हो जाते थे। Wearing his cap at an angle with a Tamil novel under his arm, he had been coming to the school ever since the old school pune could remember. तो जहां तक कि स्कूल के जो पुराने प्यून हैं, उन्हें याद है, तो जहां तक वो याद है वो बताते हैं कि मनी जो है वो एक कैप पहनता था विद एट एन एंगल, मतलब एक, मतलब कैप को तिरछा करके पहनता था और अपने एंड अंडर हिज आर्म्स, अपने हाथ के बगल में वो एक तमिल नॉवल रखता था और यूजली वो इसी तरह से स्कूल आया करता था। In most of the classes, he stayed longer than his friends did. और सारे क्लास में वो अपने दोस्तों से ज्यादा रहता था। स्वामीनाथन was proud of his friendship. और स्वामीनाथन को मनी की दोस्ती पर बहुत ही गर्व था। While others crouched in awe, he could address him as Mani with gusto and pat him on the back
सिमिलरली क्राउस्ट का मीनिंग होता है झुकना, ऑव का मीनिंग होता है फियर, एंड गस्टो GUSTO गस्टो का मीनिंग होता है उत्साह जोश, एंड PAT पैट पैट का मीनिंग होता है थपथपाना। तो जहां पर दूसरे लोग मनी को देखकर डर जाते थे और उसके सामने झुक जाते थे, वहां पे स्वामीनाथन जो थे वो चूंकि मनी के दोस्त थे इसलिए वो मनी को मनी के नाम से ही बुलाते थे और काफी उत्साह से काफी जोश से उसकी पीठ थपथपाते थे। स्वामीनाथन एडमायरिंगली आस्क्ड व्हेंस मनी डिराइव्ड हिज पावर। तो स्वामीनाथन जो है वो मनी की प्रशंसा करते हुए उससे पूछते थे कि आखिर तुम्हारे अंदर जितनी पावर है, तुम्हें जितना ताकत है, वो तुमने कहां से लाई है। मनी रिप्लाइड दैट ही हैड अ पेयर ऑफ वुडन क्लब्स एट होम विथ विच ही वुड ब्रेक द बैक्स ऑफ दोज हु डेयर्ड टू टेम्पर विथ हिम। टेम्पर का मीनिंग होता है छेड़छाड़ करना, परेशान करना। तो स्वामीनाथन के सवाल का जवाब देते हुए मनी कहता है कि मेरे पास वुडन क्लब्स के पेयर हैं, अगर कोई भी मुझसे छेड़छाड़ करेगा, मुझे परेशान करेगा, तो मैं उससे उसकी पीठ तोड़ दूंगा। देन देयर वॉज शंकर द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास। और जो तीसरा था वो उसका नाम था शंकर और वो क्लास का सबसे ब्रिलियंट बॉय था, मतलब बहुत ही तेज बच्चा जो पढ़ने में काफी तेज है, काफी ब्रिलियंट है। ही सॉल्व्ड एनी प्रॉब्लम दैट वॉज गिवन टू हिम इन 5 मिनट्स एंड ऑलवेज मैनेज्ड टू बॉर्डर ऑन 90%। वो हर क्वेश्चन को 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेता था और वो हमेशा एग्जाम्स में 90% स्कोर करता था, मतलब हमेशा उसके एग्जाम्स में 90% मार्क्स आते थे। देयर वाज अ बिलीव अमंग अ सेक्शन ऑफ द बॉयज दैट इफ ही स्टार्टेड क्रॉस एग्जामिनिंग द टीचर्स देयर वुड बी नोवेयर। और क्लास के कुछ लड़कों का ये मानना था कि अगर वो क्रॉस एग्जामिनिंग द टीचर्स, अगर वो टीचर से क्वेश्चन करने लगे तो टीचर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। Another section asserted that Shankar was a dud and that he learnt all the problems and their solutions in advance by his sycophancy. Dud ka meaning hota hai bekar, vyarth, and sycophancy ka meaning hota hai chaplusi, kisi ki chaplusi karna. Aur section ke kuch ladkon ka aisa manna tha ki Shankar jo hai wo dud hai, matlab bahut hi bekar hai, bahut hi vyarth hai, aur wo teachers ki chaplusi karke unki ji huzuri karke pehle se hi sare प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन है वो याद कर लेता है। He was set to receive his 90% as a result of washing clothes for his masters। और वो लोग ये भी सोचते थे कि उसके 90% मार्क्स इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपने टीचर्स के कपड़े धोता है, मतलब उन लोगों का मानना था कि वो अपने टीचर्स के साथ डील कर लेता है कि मैं आपके कपड़े धो दूंगा और आप बदले में मुझे एग्जाम्स में 90% मार्क्स दे दें, ऐसा सोचना था उन लोगों का। He could speak to the teachers in English in the open class. और वो पूरी क्लास में सभी टीचर से इंग्लिश में बात कर सकता था। He knew all the rivers, mountains and countries in the world. उसे पूरी दुनिया में जितने भी rivers हैं, जितने भी mountains हैं और जितने भी countries हैं, उन सभी के नाम पता थे। He could repeat history in his sleep. और वो नींद में भी history को repeat यानी कि दोहरा सकता था। Grammar was child's play to him. और जो grammar था वो तो उसके लिए बच्चों का खेल था। His face was radiant with intelligence, though his nose was almost always damp, and though he came to the class with his hair braided and with flowers in it. उसका चेहरा उसकी बुद्धिमानी से हमेशा चमकता रहता था, हालांकि जो उसकी उसकी जो नाक थी वो हमेशा डैम्प रहती थी, और जब वो स्कूल आता था तो वो अपने बालों की चोटियां बनाकर आता था, ब्रेडेड मतलब अपनी बालों की चोटियां बनाकर आता था और उसमें कुछ फ्लावर्स भी लगा कर आता था। स्वामीनाथन लुक्ड ऑन हिम एज अ मार्वल। मार्वल का मीनिंग होता है वंडर और चमत्कार, और स्वामीनाथन उसे ऐसे देखते थे जैसे कि वो कोई वंडर हो, कोई चमत्कार हो। He was very happy when he made money see eye to eye with him and admit Shankar to their company. स्वामीनाथन जो थे वो बहुत ही खुश थे जब उन्होंने मनी को शंकर से मिलाया और शंकर को अपनी कंपनी में शामिल किया। मनी liked him in his own way and brought down his heavy fist on Shankar's back whenever he felt inclined to demonstrate his affection. Inclined का मीनिंग होता है इच्छुक, एंड डिमॉन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है शो करना, दिखाना, और अफेक्शन का मीनिंग होता है प्रेम या स्नेह। मनी जो है वो शंकर को अपनी तरह से ही पसंद करता था। जब भी मनी को शंकर के प्रति प्यार जताने का मन करता था तो वो अपनी भारी से जो मुट्ठी है वो उसके बैक पर रख देता था, इसी तरह से वो अपना प्यार जताता था। He would scratch his head and ask where the blithering fool of a scraggy youngster got all that brain from and why he should not part with a little of it.
स्क्रैगी का मीनिंग होता है छोटा सा, तुच्छ या फिर अल्प। तो वो उसके सर को खुजाते हुए उससे पूछता है कि छोटे से मतलब स्क्रैगी से यंगस्टर के पास इतना सारा दिमाग कहाँ से आया और उसके पास उस दिमाग का यानी उस ब्रेन का छोटा सा हिस्सा क्यों नहीं है। द फोर्थ फ्रेंड वॉज सैम्यूल नोन एज द पी ऑन अकाउंट ऑफ हिज साइज। तो जो स्वामीनाथन का चौथा फ्रेंड था उसका नाम था सैम्यूल और उसे लोग पी के नाम से बुलाते थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत ही छोटे साइज का था, बहुत ही छोटा सा था। देयर वॉज नथिंग आउटस्टैंडिंग अबाउट हिम और उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, कुछ भी खासियत ऐसी नहीं थी कि जिसके बारे में बताया जाए। ही वॉज जस्ट ऑर्डिनरी नो आउटस्टैंडिंग वर्च्यू ऑफ मसल और इंटेलेक्ट। वर्च्यू का मीनिंग होता है प्रभाव, ना ही वो बहुत ही ताकतवर था और ना ही वो बहुत ही बुद्धिमान था जिसकी वजह से लोगों पर उसका प्रभाव पड़े। ही वॉज एज बैड इन अरिथमेटिक एज स्वामीनाथन वाज। तो अरिथमेटिक में जितने वीक जितने बुरे स्वामीनाथन थे उतना ही बुरा उतना ही वीक वो भी था सैम्यूल। ही वॉज एज एप्रिहेंसिव वीक एंड नर्वस अबाउट थिंग्स एज स्वामीनाथन वॉज। एप्रिहेंसिव का मीनिंग होता है चिंता करना, चिंतित होना। तो वो भी चीजों को लेकर उतनी ही चिंता करता था, उतना ही कमजोर था और उतना ही नर्वस था, घबरा जाता था जितना कि स्वामीनाथन थे। द बॉन्ड बिटवीन देम वॉज लाफ्टर। लेकिन उन दोनों के बीच की जो दोस्ती थी, जो बॉन्ड था, वो बहुत ही मतलब अच्छी थी, वो मतलब बहुत ही ज्यादा लाफ्टर वाली थी, मतलब बहुत ही ज्यादा हंसने वाली थी। दे वर एबल टू सी टूगेदर द सेम एब्सर्डिटीज एंड इनकॉन्ग्रुइटीज इन थिंग्स। एब्सर्डिटीज का मीनिंग होता है बेवकूफी और इनकॉन्ग्रुइटीज का मीनिंग होता है अयोग्यता। तो वो दोनों ही चीजों में समान गैर बराबरी, चीजों में समान अयोग्यता को देखने में समक्ष थे। मोस्ट ट्रिवियल एंड अननोटिसेबल थिंग टू अदर्स वुड टिकल देम टू डेथ। ट्रिवियल का मीनिंग होता है इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि जिसका उतना महत्व नहीं है, जो उतना मायने नहीं रखता है। एंड अननोटिसेबल मीन्स जिसे उतना गौर से नहीं दिखाया जाता, जिसे उतना नोटिस नहीं किया जाता। तो वैसी चीजें जो उतना महत्व नहीं रखती है, उतना मायने नहीं रखती है, और वैसी चीजें जिन पर बाकी लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जिसे इस पर गौर करना उतना जरूरी नहीं है, वही सारी चीजें इन लोगों को सबसे ज्यादा गुदगुदाती थी। अनदर फ्रेंड हैड बीन एडेड टू स्वामीज ग्रुप मच टू द अनोयंस ऑफ मनी। ही हेटेड स्वामीज ग्रोइंग फ्रेंडशिप विद द न्यू बॉय। तो स्वामी का जो फ्रेंड सर्कल था, फ्रेंड ग्रुप, तो उसमें एक और लड़का शामिल हुआ जिसका ग्रुप में शामिल होना मनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और उस न्यू बॉय के साथ स्वामी की बढ़ती दोस्ती को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता था। राजम वॉज अ फ्रेश अराइवल इन द फर्स्ट ए। तो वो जो न्यू लड़का था, जो कि फर्स्ट ए में जिसने न्यू एडमिशन लिया था, उसका नाम था राजम। ही हैड सॉन्टर्ड इन टू द क्लास ऑन द री ओपनिंग डे ऑफ द सेकेंड टर्म। सॉन्टर्ड का मीनिंग होता है वॉक्ड इजली। तो वो क्लास में सेकेंड टर्म के रीओपनिंग डे के दिन आया। वॉक्ड अप टू द लास्ट बेंच, सैट बिसाइड मनी एंड फेल्ट वेरी कंफर्टेबल इंडीड टिल मनी गेव हिम अ जैब इन द रिब्स व्हिच ही रिटर्न्ड। तो जैसे ही क्लास में आया तो उसके बाद वो एकदम शांति से चलकर गया और लास्ट बेंच पर जाके मनी के बगल में बैठ गया, और उसे तब तक बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था मनी के बगल में, जब तक कि मनी ने उसे पीठ पर एक जैब, जैब का मीनिंग होता है घूसा, तो उसे तब तक कंफर्टेबल फील हो रहा था जब तक मनी ने उसके पीठ पर एक घूसा नहीं मारा था। तो जब वो जाकर लास्ट बेंच पर मनी के बगल में बैठ गया तो मनी को गुस्सा आ गया और मनी ने उसके पीठ पर एक जोर का घूसा मारा, विच ही रिटर्न्ड। तो राजम ने भी बदले में उसके पीठ पर एक घूसा मारा। ही हैड इम्प्रेस्ड द होल क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो जो पूरी क्लास थी वो पहले ही दिन राजम से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। ही वॉज अ न्यू कमर, ही ड्रेस्ड वेरी वेल, ही वॉज द ओनली बॉय इन द क्लास हु वोर सॉक्स एंड शूज, अ फर कैप एंड टाई एंड अ वंडरफुल कोट एंड निकर्स। तो जो राजम था वो एक न्यू कमर था, क्योंकि वो एक न्यू बच्चा था जो कि क्लास में जिसने एडमिशन लिया था, वो काफी अच्छे से तैयार होकर आता था, काफी अच्छे से कपड़े पहन कर आता था, और वो क्लास का एक लौता ऐसा लड़का था जो कि सॉक्स एंड शूज मतलब जूते और मोजे पहनकर आता था, और वो फर वाली कैप पहन के आता था, टाई पहन कर आता था, और बहुत ही वंडरफुल बहुत ही अच्छा सा कोट पहन के आता था, निकर्स पहन के आता था। एज यू कैन सी इन द इमेज, ही केम टू द स्कूल इन अ कार, और वो स्कूल आता था कार में। एज वेल एज ऑल दिस ही प्रूव्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट टू, और इन सबके साथ साथ उसने सबको ये भी साबित किया कि वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है। देयर वर वेग रूमर्स दैट ही हैड कम फ्रॉम सम इंग्लिश बॉयज स्कूल समवेयर इन मद्रास।
वेग का मीनिंग होता है अनुमान लगाना या फिर संदिग्ध, तो ड्यूमर्स का मीनिंग होता है अफवाह, तो एक संदिग्ध सी अफवाह थी, मतलब कोई पक्की अफवाह नहीं थी, संदिग्ध सी अफवाह थी बस, कि वो किसी इंग्लिश बॉयज स्कूल से आया है जो कि मद्रास में कहीं है। ही स्पोक वेरी गुड इंग्लिश एग्जैक्टली लाइक अ यूरोपियन विच मीन्स दैट फ्यू इन द स्कूल कुड मेक आउट व्हाट ही सेड, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता था और वो ऐसे इंग्लिश बोलता था जैसे कि जिस तरह से यूरोपियन इंग्लिश बोलते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से इंग्लिश बोलता था, और जिस तरह से वो इंग्लिश बोलता था, जितनी अच्छी इंग्लिश वो बोलता था, कि स्कूल में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो उसकी बात को समझ पाते। मेनी ऑफ हिज क्लासमेट्स कुड नॉट ट्रस्ट themselves to speak to him, their found a broken English being small. और बहुत सारे उसके क्लासमेट तो ऐसे भी थे जो ये यकीन भी नहीं करते थे खुद पर कि वो अपनी टूटी फूटी ब्रोकन इंग्लिश के साथ उसके सामने खड़े हो सकेंगे और उसे इंग्लिश में बात कर सकेंगे। ओनली शंकर द जीनियस ऑफ द क्लास हैड द करेज टू फेस हिम, बस शंकर जो था क्लास का जो ब्रिलियंट स्टूडेंट था बस उसी में इतनी हिम्मत थी कि वो राजम से इंग्लिश में बात कर सके। दो हिज इंग्लिश sounded halting and weak before that of Rajam. हालांकि शंकर की भी जो इंग्लिश थी वो राजम की इंग्लिश के सामने थोड़ी halting थी, weak थी। Halting means थोड़ा लंगड़ी थी, टूटी फूटी टाइप की थी। This Rajam was a rival to Mani. और ये जो राजम था वो Mani का rival था, मतलब एक तरह से दुश्मन था। In his manner to Mani, he assumed a certain nonchalance to which Mani was not accustomed. Nonchalance का meaning होता है रूखापन and accustomed का मीनिंग होता है आदि होना। तो मनी के हिसाब से राजम में एक ऐसा रूखापन था जिसकी मनी को आदत नहीं थी, मतलब मनी जिस चीज का आदि नहीं था। Like, if मनी jabbed, राजम jabbed. If मनी clouted, he clouted. If मनी kicked, he kicked. Clouted का मीनिंग होता है मुक्का मारना। तो अगर मनी राजम को घूसा मारता था तो बदले में राजम भी मनी को घूसा मारता था। अगर मनी राजम को मुक्का मारता था तो राजम भी मनी को मुक्का मारता था। अगर वो उसे किक करता था तो बदले में राजम भी मनी को किक करता था। इफ मनी वाज द ओवरलॉर्ड ऑफ द क्लास, राजम सीम्ड टू बी नथिंग लेस। ओवरलॉर्ड का मीनिंग होता है अथॉरिटी ओवर अदर्स, यानी कि दूसरों पर हावी होना। तो अगर मनी क्लास का ओवरलॉर्ड, मतलब क्लास में सबके ऊपर ओवरलॉर्ड था, सबके ऊपर हावी था, तो राजम भी कुछ कम नहीं था। एंड एड टू ऑल दिस द फैक्ट दैट राजम वाज अ रेगुलर 70%er, सेकंड ओनली टू शंकर। और इसके साथ साथ, ऐसा होने के साथ साथ एक फैक्ट ये भी था, एक सच्चाई ये भी थी कि राजम जो था वो एक रेगुलर 70% स्कोरर बॉय था, मतलब वो पढ़ने में अच्छा था और वो 70% मार्क्स स्कोर करने वाला स्टूडेंट था और वो पूरे क्लास में बस शंकर से ही पीछे था। मतलब पूरे क्लास में अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात आए तो शंकर के बाद सेकंड नंबर पे राजम ही था। देयर वर श्योर इंडिकेशंस दैट राजम वाज द न्यू पावर इन द क्लास, और ये बिल मतलब एक पक्का इंडिकेशन था कि राजम जो है वो अब एक न्यू पावर है क्लास में। डे बाय डे एज मनी लुक्ड ऑन, इट वाज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट अ न्यू मेनस हैड अपीयर्ड इन हिज लाइफ। मेनस का मीनिंग होता है थ्रेट। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मनी को इस बात का एहसास होते जा रहा था कि अब उसे भी जिंदगी में टक्कर देने के लिए कोई आ गया है। सो दैट्स ऑल, होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।